नोटबंदी के बाद सरकार ने मियाद बढ़ाई 500 के नोट की कि अगर 500 का नोट आप चलाना चाहते हैं तो ये सिर्फ अभी आपको पेट्रोल पंप पर चल जाएगा, लेकिन आज ये मियाद भी खत्म हो रही है। आज 2 दिसंबर का दिन है और आज के बाद रात को 12 बजे के बाद से ही 500 का नोट अगर आपके पास है तो वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस और बैंक में ही बदला जाएगा। पेट्रोल पंप पर आज के बाद ही पुराना नोट नहीं चलेगा और ना ही आपको दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि आज के बाद आपके पास अगर 500 का नोट है तो महज एक रद्दी बन जाएगा। लेकिन आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर आज भीड़ लगी है। लोग 500 का पेट्रोल भरवाने आए हैं, जिनके पास अभी भी पुराने नोट मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि फटाफट अपनी टंकी फुल करा लें ताकि 500 के नोट को ठिकाने लगाया जा सके, क्योंकि आज के बाद ये नोट पेट्रोल पंप वाले भी नहीं लेंगे और ना ही ये चल पाएगा। आज खासी भीड़ देखने को मिल रही है दिल्ली और NCR के तमाम पेट्रोल पंप पर। हम दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक पेट्रोल पंप पर, जहां औसतन से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। सबसे पहले इसी पंप पर बात करते हैं जो यहां कर्मचारी काम करते हैं, उनसे। रोज इतनी ही भीड़ रहती है यहां पे? इतनी सर रहती है, इतनी भीड़। आज कुछ खास फर्क पड़ा है? हाँ पड़ा है सर। कैसा फर्क है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं सर आज से बंद हो जाएगा क्या 500 का नोट। अभी आप ले रहे हैं 500 नोट? हाँ ले रहे हैं सर 500 का नोट अभी। तो आज 500 का नोट लिया जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि चंद घंटे का मेहमान रह गया है, इसके बाद पूरी तरह से शटर डाउन हो जाएगा और 500 का नोट अब नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं इनसे भी जानते हैं कि क्या आप ही 500 नोट का पेट्रोल भरवा जाएंगे? नहीं सर, मेरे पास चेंज है 100 का। चेंज है आपके पास? कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके पास 500 का नोट है और आज वो चलाने आए हैं 500 का नोट। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं कुछ और लोगों से, शायद उनसे जानते हैं कि आज उनके पास 500 का नोट है और वो उसका पेट्रोल डलवाने आए हैं। किसी के पास आज 500 का नोट है जो पेट्रोल डलवाने आए हो? देखिए ये जनाब है, इनके पास 500 का नोट है और आज ये सोचते हैं कि इस नोट को ठिकाने लगा दें पेट्रोल पंप पर, क्योंकि आज के बाद आगे नहीं चलेगा, जाना बड़ा सिरदर्द होगा, सिर्फ बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही चल पाएंगे। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजार नोट लेके आए हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि हजार के नोट की मियाद पहले ही खत्म हो चुकी है और अब 1000 रुपए का नोट नहीं चलेगा पेट्रोल पंप पर भी, अब ये नहीं चल पाएगा। आप सर? सर जी 500 का नोट अगर पेट्रोल पंप पे देते हैं, अगर हमने 300 रुपए का डलवाया तो 200 रुपए वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। क्या कहते हैं पेट्रोल पंप? कहते हैं कि खोलने की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज आप 500 का नोट लेके आए हैं? हाँ 500 का लेके आए हैं। कितना पेट्रोल डलवाएंगे? 200 रुपए का, आप देखते हैं 300 रुपए देंगे नहीं देंगे। चैलेंजिंग है कि 500 का नोट लेके आए हैं, 200 का पेट्रोल डलवाना है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है क्योंकि अब पेट्रोल पंप वाले काफी सख्त हो गए और वो भी कह रहे हैं कि 500 का नोट चलाएंगे जरूर, लेकिन अगर आप पूरा पेट्रोल डलवाते हैं तब ये चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 200 का पेट्रोल डलवाएं और 300 रुपए हम आपको वापस दें। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर आज के बाद पेट्रोल पंप 500 का नोट नहीं लेगा, आपसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले तो हमें तो पहले भी कोई इशू नहीं था, हम आज तक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही यूज़ कर रहे थे। सो ठीक है, गवर्नमेंट का कोई अच्छा इंटेंशन होगा। जहाँ 500 का नोट अब लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है, वहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो कैशलेस ट्रांजेक्शन में विश्वास रखते हैं, यानी प्लास्टिक मनी, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, पेटीएम हो, इनके जरिए भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग काफ़ी खुश हैं, उनका कहना है कि अगर 500 का नोट बंद होता भी है तो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ गाड़ी वाले यहाँ पे हैं, इनके पास चलते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो लोग आते हैं अक्सर वो ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो 500 का नोट लेके पेट्रोल डलवाने आए हों। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है 500 के नोट को लेकर, या चलते हैं दूसरी तरफ, उनसे जानते हैं कि 500 का नोट उनके लिए सिरदर्द है या राहत भरी बात है। सर 500 का नोट आज से पेट्रोल पंप पर बंद हो रहा है तो क्या मतलब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी? क्योंकि लास्ट मेरे पास 300-500 के नोट बचे हुए हैं, जो आज मेरी गाड़ी खड़ी रहती है आज इसमें भरवा लूंगा, बस काम खत्म। तो 1500 रुपए का आज आप टंकी फुल करा लेंगे? टंकी फुल तो नहीं होगी, बिल्कुल जीरो है इसमें, आधी हो जाएगी बस टंकी। ये देखिए जीरो मीटर था, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म था, लेकिन क्योंकि 500 के नोट ठिकाने लगाने हैं तो जाहिर सी बात है कि 500 के नोट ठिकाने भी लग जाएंगे और टंकी भी काफी हद तक फुल हो जाएगी, इसलिए नोटों को ठिकाने लगाने के लिए आप पहुंचे हैं पेट्रोल पंप के पास। क्योंकि आज के बाद एक बार फिर हम आपको बता दें, अपने चैनल के जरिए हम तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद
500 के पुराने नोट की मियाद खत्म होने वाली है और ये नोट इसके बाद पेट्रोल पंप पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास 500 का नोट है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही बदल सकते हैं। 500 के नोट पर मियाद खत्म और अब नया नोट से ही आप 500 की ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ इंद्रपुरम से गौरव सिंह, कोबरापोस्ट के लिए।